नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती, बैटरी डाउन हो जाती है और ऐसी ही छोटी मोटी समस्याएं, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड आपको अगर कुछ इशू आता है तो आपको गाड़ी में क्या करना चाहिए इमीडिएटली, जिससे कि आपकी गाड़ी सुधर सके। अगर आप सर्विस सेंटर वगैरह दूर हो तो एक बार आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो आप ज़रूर ही काफ़ी सारी समस्याओं को रिजॉल्व कर पाएंगे। आपकी गाड़ी में कंपनी ने पहले से ही काफ़ी सारे इस चीज़ के उपाय दिए हुए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी ऐसे टाइम पे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये सीखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो को शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। एक्चुअली कुछ दिन पहले की बात है, हुआ ये था कि मैंने अपनी गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद वीडियो बनाने लगा और वीडियो बनाकर एक्चुअली मैंने पार्किंग लैंप्स गाड़ी के ऑन छोड़ दिए, दिन भर ऑन रहे। शाम को जब अंधेरा हुआ तब जाके पता चला कि भाई पार्किंग लैंप ऑन थे और उन्हें ऑफ़ किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक और जो गाड़ी की बैटरी थी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी थी और इस कदर डिस्चार्ज हो चुकी थी कि गाड़ी के सेंसर ईसीयू में तक करंट नहीं जा रहा था। और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खासियत यह होती है कि अगर आपकी बैटरी पूरी तरह से अगर डिस्चार्ज हो गई है तब आप गाड़ी को धक्का लगा के भी भाई स्टार्ट नहीं कर सकते। सो मुझे पता नहीं था इस चीज़ का कि गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, लगवाया धक्का, धकाया हमने काफ़ी देर तक और फिर जो गाड़ी है उसे स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कैसे होती क्योंकि ईसीयू तो भाई फ्यूल इंजन में पहुँचा ही नहीं रहा था ना। सो फिर हमने क्या किया, मैंने दिमाग चलाया कि भाई बाइक की बैटरी से स्टार्ट करते हैं, उसमें भी पेट्रोल इंजन होता है, उसका भी आउटपुट 12 वोल्ट का होता है। सो बाइक की बैटरी से स्टार्ट करने की कोशिश करी, बाइक की बैटरी से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अल्टो की बैटरी से स्टार्ट करने की कोशिश करी तब भी नहीं हुई। डीजल इंजन के बैटरी से स्टार्ट करने की कोशिश करी तब भी नहीं हुई और तब जाके तो उल्टा ये पंगा हो गया कि मतलब कि बाकी बैटरी जब तक हम लगा रहे थे तब तक गाड़ी में जो करंट है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो चालू हो रहे थे, लेकिन जो बैटरी है, जो स्टार्टर है वो लोड नहीं ले रहा था, ठक ठक कुछ ऐसी आवाज़ कर रहा था और डीजल इंजन की बैटरी लगाने के बाद वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा भाई सारी चीज़ें एक साइड रखो, बैटरी निकाल के लेके जाते हैं और बैटरी को चार्ज करवा के लेके आते हैं तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। सो बैटरी निकाल के मैं ले गया और चार्ज करवा के लाया, इसकी खुद की बैटरी फुल्ली चार्ज, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चल रहे थे और फिर भी इसकी बैटरी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सो ऐसी छोटी छोटी समस्याएँ आ जाती हैं कई बार। एक समस्या फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपका म्यूज़िक सिस्टम ऑन नहीं हो पा रहा तब, या फिर आपके कुछ हेडलाइट वगैरह या कुछ टेल लाइट वगैरह में कुछ दिक्कत आ गई है, आपका जो चार्जर है गाड़ी के अंदर उसका सॉकेट काम नहीं कर रहा। सो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं ना आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से अपनी गाड़ी के अंदर। कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या किया था, वो सारी चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन छुपा है आपकी गाड़ी के बोनट के नीचे। सो गाड़ी का बोनट ओपन हो चुका है और आप सभी को पता होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर दो फ्यूज़ बॉक्स दिए होते हैं और फ्यूज़ क्या होता है आप सभी को पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बैटरी का करंट पहुंचाने से पहले बीच में एक फ्यूज़ दिया होता है ताकि ओवरलोड अगर हो या कोई स्पार्क वगैरह हो तो फ्यूज़ का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, 10 एम्पियर 20 एम्पियर होता है, वो फूक जाए और आगे आपके कंपोनेंट को नुकसान ना हो। और मोस्टली कंपोनेंट गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और उन सारी चीज़ों का कंट्रोल आप यहाँ से देख सकते हैं। एक फ्यूज़ बॉक्स आपको यहाँ पर दिया होता है, काफ़ी सारे ज़रूरी कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल्स आपको इसमें दिए गए हैं वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे आगे की तरफ। और एक फ्यूज़ बॉक्स आपको गाड़ी के अंदर की तरफ दिया होता है और गाड़ी के अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन आपको स्टेयरिंग के नीचे कुछ यहाँ पर, ये वाला पैनल जब आप खोलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसकी बात तो मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि इसे खोला खाली करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे आता नहीं है, जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो मैं बात कर रहा था इस वाले फ्यूज़ बॉक्स की, इसे आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की कुछ क्लिप्स हैं यहाँ पर, जब आप इन्हें दबाएंगे कुछ इस तरीके से, सेम ऐसे ही क्लिप आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगी और इन्हें जब आप ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके के आपको
बिल्डिंग्स एकदम मस्त देखने को मिलेगी इसके अंदर। और इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट कंट्रोल है जो कि गाड़ी में ख़राब होते रहते हैं, जिनमें कुछ करंट का कम ज़्यादा फ्लो होता रहता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तब मैंने क्या किया था कि सबसे पहले आप चेक करें अपने फ्यूज़ेस को कि आपकी गाड़ी में स्टार्टर से रिलेटेड कौन कौन से फ्यूज़ हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड रो में ऊपर से सेकंड वाला जो फ्यूज़ आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है STSOL करके, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, STSOL 20 एम्पियर, ये वाला जो फ्यूज़ है ये आपके स्टार्टर से रिलेटेड फ्यूज़ होता है। और जब आपकी स्टार्टर मोटर में कम या ज़्यादा करंट जाता है तो ये वाला फ्यूज़ जो है उड़ जाता है। सो पर्सनली ये वाली बात मैं अभी टियागो की कर रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ आप अपनी कोई सी भी कार हो उसमें डिस्कवर कर सकते हैं कि आपको आपकी स्टार्टर मोटर का कौन सा फ्यूज़ है, और उसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से दूसरे नंबर का जो फ्यूज़ है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जो फ्यूज़ है थर्ड रो में दूसरे नंबर का, यही आपके स्टार्टर मोटर का फ्यूज़ है। मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया, इसमें सारी मार्किंग यहाँ पर लिखी हुई है। और इसे निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की क्लिप यहाँ पर देखने को मिलेगी, उससे आप इसे निकाल सकते हैं इजीली। कुछ इस तरीके से इसमें फंसाना होता है, इसे दबा के, और आप इसे ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये निकाल लें, और निकालने के बाद अब आप बोलेंगे भाई इसकी जगह क्या लगाएं। तो आपको आपकी गाड़ी में बैकअप फ्यूजेस देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेयर मिनी फ्यूजेस, उनकी लोकेशन यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये जो मिनी फ्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5, ये काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का सेम फ्यूज़ कलर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 20 एम्पियर का जो फ्यूज़ है आप उसे लगाएं, यहाँ से निकाल सकते हैं सेम इसी क्लिप की हेल्प से, इस वाली क्लिप की हेल्प से इसे यहाँ से निकालें स्पेयर फ्यूज़ को। ये मैंने निकाल लिया, और उसके बाद आपका जो भी स्पेयर फ्यूज है या जो भी साबुत फ्यूज है आप उसे यहाँ पर वापस से ऐसे लगा दें कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ये फ्यूज़ को अभी लगा दिया। तो ये इस तरीके से आप फ्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, और 80% से 85% तक चांसेस है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होती है तो आपके कंपोनेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिलेज हैं 1, 2, 3, ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे इन्हें आप चेंज करके देख सकते हैं सेम मार्किंग वालों के साथ। लेकिन चेंज करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये वाली रिलेज अगर यहाँ की यहाँ और यहाँ की यहाँ आप लगाते हैं ना, तो आपकी गाड़ी के अंदर जो भी है एक मार्किंग सी आने लगेगी डैशबोर्ड में आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उसे हटाने के लिए आपको वापस से इसे अपनी अपनी जगह पर लगाना होगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने कहां से कौन सी रिले निकाल के कहां पर लगाई थी, वापस से आपको बाद में लगाना है, क्योंकि आपको रिले में कोई स्पेयर वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता, फ्यूज़ में तो आपको स्पेयर फ्यूजेस देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपका जो फूका हुआ फ्यूज़ है या फिर जो जला हुआ है उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये एक जला हुआ फ्यूज़ है, ये ख़राब है, इसे देख सकते हैं बीच में आपको यहाँ पर काला काला सा दिख रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये फ्यूज़ जल चुका है, ये अब किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा फ्यूज़ आपको दिख रहा है तो आप अपना जो फ्यूज़ है उसे आप चेंज कर दें, और आपकी जो प्रॉब्लम है किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड वो ठीक हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका जो हॉर्न है वो काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है हॉर्न का फ्यूज कहाँ पर है। सो यहाँ पर कुछ ये हॉर्न का जो फ्यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा, तो 1, 2, 3 थर्ड रो में ऊपर से 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर का फ्यूज, तो 1, 2, 3, 4 ये चौथे नंबर का जो फ्यूज है ये हॉर्न का है। अगर मैं इसे निकाल देता हूँ तो देखिए आप, एक मिनट में आपको लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ। ये चौथे नंबर का ये जो फ्यूज़ है इसे मैंने निकाल दिया, अब अगर मैं हॉर्न बजाऊँगा, एक बार हॉर्न बजाना, देखिए यहाँ पर हॉर्न बजा रहे हैं लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा। और जैसे ही मैं इस फ्यूज़ को वापस लगाता हूँ, इसकी प्रॉपर
प्लेस पर अब बजाना हॉर्न। देखिए हॉर्न काम करने लगा। अगर आपका फ्यूज सही है तो ये सारी चीज़ें काम करने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर रास्ते में कहीं कोई चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है ना तो आप इस तरीके से सॉल्व इन्हें कर सकते हैं। सो ये थी वही वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे फ्यूज़ बॉक्स की हेल्प से आप अपने गाड़ी के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को काफ़ी सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कंटेंट आपको चैनल का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।